आया था, उसके रिस्पांस में जो खदशात का इजहार किया गया था, वो आज के तफसीली फैसले से वो खदशात सही साबित हो रहे हैं। आज के फैसले बिलखसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मज़हब, तहजीब और किसी भी इकदार से बालातर हैं। अफवाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म अदारा है। हम मुल्की सलामती को कायम रखने और इसके दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के हलफ बरदार हैं, और ऐसा हमने पिछले 20 साल में अमली तौर पर करके दिखाया है कि वो काम जो दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकी, वो सिर्फ पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने अपनी अवाम की सपोर्ट के साथ उसको हासिल किया। मैं पिछली बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब भी आपसे बात की तो नेचर एंड करेक्टर ऑफ वार के ऊपर बात की कि हम कन्वेंशनल जंग से सब कन्वेंशनल जंग और उसके साथ लड़ते हुए बेहतर होते हुए आज हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। तो हमें इस बदलती हुई नेचर एंड करेक्टर ऑफ वार का भरपूर एहसास है। उसमें दुश्मन, उसके सहूलतकार, आलाकार, उनका क्या डिज़ाइन हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, उन सब की भी हमें समझ है। जहां दुश्मन हमें दाखिली तौर पर कमज़ोर करते रहे, अब उस दाखिली तौर पर कमज़ोर करने के साथ साथ बैरूनी जो उनकी ख़तरात हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी चीफ का कल का क्या बयान आया, उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या कोशिशें हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुल्की सलामती का एक अहम अदारा होते हुए हमें इस कम्प्लीट पिक्चर की विजिबिलिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशें होती रहीं और अभी भी हो रही हैं, और उसका फ़ायदा उठाते हुए जो बैरूनी ख़तरात हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब इन हालात में चंद लोग अंदरूनी और बैरूनी हमलों से हमें इश्ताल दिलाते हुए आपस में भी लड़ाना चाहते हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त देने के ख्वाब भी देख रहे हैं। ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर हमें थ्रेट का पता है तो हमारा रिस्पांस भी इन प्लेस है। अगर हम बैरूनी हमलों का मुकाबला कर सके, अंदरूनी जो दहशतगर्दी थी उसका मुकाबला कर सके, तो इंशाल्लाह जो मौजूदा डिज़ाइन मुल्क दुश्मन कुव्वतों का चल रहा है उसको भी समझते हुए उसका मुकाबला करेंगे। जैसा कि आर्मी चीफ ने कल SSG हेडक्वार्टर के और वहाँ पे कहा था कि हमने इस मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए बहुत लंबा सफ़र किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने दी हैं, अदारों ने दी हैं, अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं, इस इस्तेहकाम को हम किसी भी सूरत रिवर्स नहीं होने देंगे। हम अपने कदम, जो बढ़ते हुए कदम हैं, इनको पीछे नहीं हटाएंगे और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा नहीं है, ये ख़ानदान है। हम अवाम की अफवाज हैं और जज्बा ईमानी के बाद अवाम की हमायत से मजबूत हैं। हम मुल्क का दफा भी जानते हैं और अदारे की इज्जत और वक़ार का दफा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमारे लिए मुल्क पहले है, अदारा बाद में है। आज अगर मुल्क को अदारे की कुर्बानियों की, अदारे की परफॉर्मेंस की और हमारी यकजहती की ज़रूरत है, तो हम दुश्मन के डिज़ाइन में आके उन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह हम मुल्क का भी, उसकी इज्जत का भी, उसके वक़ार का भी और अदारे की इज्जत और वक़ार का भी भरपूर दफा करेंगे। आपसे कुछ देर पहले आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तफसीली बातचीत हुई। इस फैसले के आने के बाद अफवाज पाकिस्तान के क्या जज्बात हैं, और मैं मीडिया देख रहा था, एनालिसिस देख रहा था, उससे रिफ्लेक्शन मिल रही है कि जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान किन खतरात से दो चार है, उनके जज्बात को भी देखते हुए हमें इसको आगे लेके कैसे चलना है। ये आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बड़ी तफसील से बात हुई है। फ़ौज और हुकूमत पिछले चंद सालों से
मिलकर मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहती है जहां हर किस्म के खतरात नाकाम हो जाएं और मुल्क उस तरफ जाए जहां हम जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वहां हम जाएंगे। जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की आपस में बातचीत हुई उसमें क्या फ़ैसले हुए, इससे आपको हुकूमत थोड़े अरसे में आगाह करेगी। मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि वो अफवाज पाकिस्तान पर अपना एतमाद रखें। हम मुल्क में किसी सूरत इंतशार को फैलने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करते हुए अपने इदारे की इज़्ज़त और वक़ार को मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के साथ कायम रखेंगे और इंशाल्लाह जितने भी दुश्मन हैं, ख्वाब अंदरूनी हैं बैरूनी हैं, उनके आलाकार हैं सुलतकार हैं, उनको हम इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के फैसले में इंसानियत